श्लोक संख्या 18। यस्मात् क्षरमतीतो हम क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतो हम क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोकों में बताया क्षर और अक्षर आत्माओं के बारे में, जीवों के बारे में, और फिर बताया कि उनका नियामक है परमेश्वर ईश्वर। और अब भगवान उसे और भी संकुचित करके उसको एक रूप दे रहे हैं कि ये ईश्वर निराकार नहीं है, ये ईश्वर अरूप नहीं है, ये रूप विहीन नहीं है। भगवान ने यहां पर बहुत ही दृढ़ता के साथ ये अच्छी तरह से बता दिया है, स्पष्ट रूप में बता दिया है सबको कि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों के परे हूं। कोई ये ना समझ ले कि मैं इस जगत में आता हूं तो मेरा पतन हो गया, मैं क्षर जीव हो गया। भगवान कहते हैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूं, मैं अक्षर से भी ऊपर हूं, यानी वो जो आध्यात्मिक जगत के लोग हैं उनसे भी परे हूं, उनका भी नियामक हूं और उनसे भी सर्वश्रेष्ठ हूं, यानी क्षर और अक्षर दोनों से ही सर्वश्रेष्ठ हूं। वो जिनका पतन होता है मायाबद्ध है, वो जो आध्यात्मिक जगत में आनंद भोग रहे हैं उन दोनों से मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और कैसा हूं मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। अगर आप वेदों को पढ़ें तो वहां परम पुरुष की स्तुति की गई है, भगवान को परम पुरुष के नाम से बताया गया है कि वही परम पुरुष हैं, उन्हीं की पूजा करो, वही हमारे ध्येय हैं, वही ध्यान का विषय है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों में परम पुरुष की पूजा की गई है। और जो लोग वेद का पाठन करते हैं कई बार वो सोचते हैं कि ये परम पुरुष निराकार है। पहली बात, पुरुष कभी निराकार नहीं होता। एक पुरुष क्षर है, दूसरा पुरुष अक्षर है, और इसमें जो परम पुरुष है यानी कि इन दोनों का नियामक है, नियंत्रक है, और इन दोनों का जनक है, इन दोनों को उत्पन्न करने वाला है, वही तो परम पुरुष है। तो भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में जिसे परम पुरुष कहा गया है वो मैं यानी भगवान कृष्ण हूं। मैं कृष्ण भगवान ही परम पुरुष हूं। ये भगवान ने यहां पर साफ तौर पर बता दिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं कि भगवान कौन, किसे हम भगवान माने, वेदों में इसे कहा है भगवान, उस पुराण में उसे कहा है। भगवान कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं।